हेलो भाई और उनकी बहनों, कैसे हो बे? आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे ना दो तरह का अलग अलग पकौड़ा का विधि आप लोगों के साथ हम साझा करने वाले हैं। और क्योंकि बारिश का मौसम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है तो उसमें हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च के पकौड़े और बेसन के मिक्स पकौड़े। तो वीडियो देखिएगा पूरा, तो चलिए बनाते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 200 ग्राम बेसन, दो चुटकी इसमें हल्दी डालेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए है मेरे भाई। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी सम्मिलित करते रहेंगे और इसे हम ऐसे मिलाते रहेंगे। अगर आपके पास ये विंग्स क्या बोलते हैं ये नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको हाथ दुखने तक, करारा दर्द होने तक आपको इसे फेंटना है। देखिए मैं फेंट रहा हूँ, मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो चुका है और ये देख रहे हैं आप बबल्स बन रहे हैं। ऐसे बनने चाहिए, ऐसे बबल्स 5 मिनट के बाद बनेंगे। जी हाँ, ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है आपको, बगल में रख दीजिए, साइड में, ऊपर नीचे कहीं भी रख दीजिए। ये आ चुका है दो आलू बॉईल किया हुआ, इसमें 3 से 4 हरी मिर्च चॉप की हुई डालेंगे हम, 1 प्याज चॉप किया और इसमें सम्मिलित कर देना है आपको, हाय हिंदी। और स्वाद अनुसार हम आपको इसमें हम डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला 2 चुटकी और थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला डालेंगे और 1/4 से भी कम जीरा ऐसे क्रश करके आपको इसमें ऐड कर देना है। और कोई मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अरे पकौड़ों का भी तो अपना कोई फ्लेवर होता है ना, तो इतने सारे मसाले मत डालिएगा, इतने इनफ है। और हाथ से कीजिए, अब स्पून से मैंने बहुत कर दिया, ये हो नहीं रहा था, मैंने हाथ घुसेड़ दिया इसके अंदर और इसे अच्छे से मैश कर देना है। गुठलियाँ रह जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा चख के भी देख लीजिएगा, ये तो मेरी आदत है बचपन की, आपकी भी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च आपको ले लेनी है और इसके एक साइड, जी हाँ ये अंदर वाली साइड है ना, इसमें आपको आलू की स्टफिंग ऐसे भर देनी है और दूसरी वाली साइड ऐसे खाली रहनी चाहिए, देखिए है ना, ये देखिए खाली खाली है ना, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। और ये आ चुका है बेसन, और बेसन को फिर से आपको जो हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था फिर से 3-4 मिनट आपको ऐसे फेंटना है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और फिर से आपको फेंट देना है, फेंटने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, तभी फ्लफी और एकदम स्पॉन्जी बनेगी। थिकनेस आप देख लीजिए, थोड़ी सी गाढ़ी है, ऐसी रहनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ऑयल गर्म हो चुका है और देखिए है ना, ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है आपको और थोड़ा सा एक बूंद इस पर डाल के देख लीजिएगा, क्विक ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऑयल गर्म है। इसमें हम ये पकौड़े जो हमारे हैं ऐसे डीप कर देने हैं आपको, ओए होए अच्छे से डीप और ऐसे ऊपर कर देना है ताकि जो बैटर है वो नीचे की तरफ जाए और अच्छी सी बढ़िया सी कोटिंग आ जाए। एक एक करके इसमें आपको पकौड़े डाल देने हैं जितने आपके ऑयल में आते हैं, स्लो मोशन में देखिए, स्लो मोशन का इंजॉय कीजिए। वाह, मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है और बस 1 मिनट के बाद इसको अल्टी पल्टी करना है, मतलब इमिजिएटली पकौड़े डालते हैं आपको अल्टी पल्टी नहीं करना है वरना पकौड़े ख़राब हो जाएंगे, टूट फूट भी सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है पकौड़ों को नहीं नहीं फ्रैक्चर नहीं होगा। और 3-4 मिनट आपको इसको डीप फ्राई करना है। देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, बढ़िया सा। अरे रुकिए रुकिए, अभी एक और पकौड़ा बनने वाला है भाई, मतलब पकौड़े बनने वाले हैं। तो ये बैटर जो बच गया है बेसन का, इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे चावल का आटा और 1 प्याज चॉप किया हुआ डालना है, 4 से 5 हरी मिर्च रफली कटी हुई आपको इसमें डाल देनी है और 1/2 कप के लगभग इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल देना है और इसे आपको मिला लेना है। अब इसको आपको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत हमने फेंट लिया है। और ये ऐसी गाढ़ी होगी, मैं आपको इसकी ये देखिए ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी नहीं है थोड़ी ढीली ढाली है तो चावल का आटा थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म करना है, फिर से आपको ऐसे ऐसे उठाना है, ऐसे ड्रॉप करना है, जैसे बूंदे गिरती है ना वैसे आपको इसमें ड्रॉप करना है। देखिए ऐसे उठाना है और ऐसे ड्रॉप करते रहिए, जितने आपके ऑयल में आए उतने आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये जैसे ही आप डालेंगे थोड़ी देर के बाद अपने आप फूल जाएगी, देखिए आपको दिख भी रहा होगा फूल फूल के ऊपर आ रही है। तो जितनी आती है इसमें उतने आप इसमें पकौड़े तल लीजिए और बस अलट पलट के इसे पकाइएगा। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये वाले पकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे, बल्कि उसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो सिंपल है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है आपको और मज़ा आ रहा है ना स्लो मोशन में देखने। अरे तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते बे, अच्छा लग रहा है तो अभी कर दीजिए ना भाई लाइक। और ये देखिए बढ़िया सा पकौड़ा भी तैयार हो चुका है, मौसम का इंतजार मत कीजिएगा, मौसम भांसू है, चाय चढ़ा लीजिए गुड़ वाला और दोनों पकौड़ों का एंजॉय कीजिए। और ये हरियर चटनी है कहिएगा तो इसका भी रेसिपी हम डाल देंगे, हरियर चटनी का कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये आलू और शिमला मिर्च वाला पकौड़ा है, देख लीजिए, हाँ पहले ये ठूसेंगे फिर दूसरा वाला ठूसेंगे। तो ये हम पहले ठूस के आपको दिखा देते हैं, वाह बहुत बढ़िया बना है, देखिए बहुत ही मतलब सॉफ्ट है बहुत, देख लीजिए हाय। अरे बस कर, अब हमें भी खाएगा का। हाँ अब ये दूसरा वाला पकौड़ा है, जो दूसरा वाला नहीं बनाए थे वो है, अच्छा लगा ना तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।